नमस्कार दोस्तों दोस्तों वर्तमान इस समय में देश की जो हालात है वो बहुत ही बद से बदतर हो जा रहा है। आर्थिक स्तर पर हम फेलियर के करीब में हैं। हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जीडीपी हमारा गिर चुका है और इस स्तर तक गिरा है कि जिसका हम जिक्र नहीं कर सकते। कोरोना का मार वैसे ही है और जब चारों ओर हाहाकार है, देश में बेचैनी है, आर्थिक तंगी है, वैसे स्थिति में अगर आपका राजा, आपका प्रधान सेवक, आपका चौकीदार अपने लिए लग्जीरियस वस्तुएं, अपने लिए शान शौकत की चीज़ें खरीदे, ये कहाँ तक उचित लगता है? जिस देश के वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिस देश की जनता के वो भाग विधाता बने हुए हैं, जिसको उन्होंने बड़े बड़े सपने दिखाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया और अपने लिए क्यों क्या किया? जो अपने आप को फकीर कहता है, उसके पास क्या क्या नहीं है दुनिया की, इस बातों का आपको अंदाज़ा नहीं। हमारे जो वीर सैनिक है वो खटारा बस में, खटारा ट्रक में जाते हैं और सुरक्षित ढंग से, इससे पहले भी हमारे सैनिकों के साथ हादसा हो चुका है, इसकी हमें चिंता नहीं है। लद्दाख में जो सैनिक हैं उनके गर्म जूते या अच्छी क्वालिटी के कपड़े या वेपन्स या ड्रेसेस नहीं होते हैं, इस बात का बार बार जिक्र हो रहा है, लेकिन हमारे साहब को 84 करोड़ का हवाई जहाज चाहिए जो दुनिया के गिने चुने लोगों के पास है। तो ऐसी अमीरी कहाँ से आएगी जब देश इस बुरे हालात में चल रहे हो, जहाँ सैकड़ों और हजारों लोग हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हो, जहाँ मजबूर आदमी से ट्रेन की भाड़ा वसूली जाती है, वो भी दूने तिगुने पर, और उस देश में साहब को चलने के लिए एक उड़न खटोला की ज़रूरत होती है और वो भी